इंदौर जिले के भारी बारिश होने की वजह से शक के उचित मूल्य की दुकानों में पानी घुसने से गरीबों के वितरित करने वाले गेहूँ सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला झाड़ा शक के उचित मूल्य की दुकान का आया है, जहाँ पर कि गरीबों के गेहूँ खराब हो गए हैं। सुनते हैं सम्मेलन के बशीलाल जी का, उनका क्या कहना है। छत्तीसगढ़ में अतिवृष्टि के कारण बहुत सारा अनाज खाद्यान्न शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर रखा हुआ था, परंतु बरसात होने के कारण, अतिवृष्टि होने के कारण कम से कम 65-70 कुंटल गेहूँ अनाज खराब हो चुका है, और साथ में चावल 20-30 कुंटल चावल है, नमक, ये सभी खाद्यान्न नष्ट हो, मतलब पूरी तरह। एक रोज बाढ़ आई थी 13 तारीख को, जिसमें 5-7 फीट पानी घुस गया, करीब करीब 150 कुंटल गेहूँ, 25-26 कुंटल चावल, 3000 लीटर केरोसिन और शक्कर के गट्टे 4-5 और 10 कुंटल नमक चावल है, 40 कुंटल लगभग अंदर रखे, अभी कितने गिले हुए हैं ये निकालने के बाद ही पता चलेगा। अभी वो तो प्रशासन के द्वारा कोई अपने को आदेश प्राप्त नहीं हुआ इनके बाहर फिकवाना या कहाँ है, उस वजह से अभी माल अंदर ही है और अभी वितरण की स्थिति में नहीं है। अभी तक इससे पूर्व में कुछ लोगों वितरण किया था गेहूँ, आपने गेहूँ राशन किए थे ना, 10-11 तारीख पहले वितरण किया था, वही वितरण हुआ, उसके बाद वितरण अभी शेष है। अभी ये पाला रात के गेहूँ थे जो 50-50 किलो देना थे, वो उन्होंने 379 वो उपभोक्ताओं को दिए है, वो जो राशन उनकी सूची है जो गेहूँ से प्राप्त हुए थे उनको दिए है अपनों ने 370 करीब। जो गेहूँ खराब हो गए हैं कट्टे कितना है, जो आपने जिला प्रशासन को अवगत करवाएगा इस संबंध में? सारी तरफ जानकारी दे रखी है हमने, सारी हमारे उपभोक्ता हमारे फूड ऑफिस को भी जानकारी है इस संबंध में, और सारे विभाग में हमारे विभाग में भी जानकारी है, और बीमा कंपनी को भी हमने इस संबंध में जानकारी पहुँचा दी है। उनका क्या आश्वासन मिला? उनने कहा अभी इसको रहने दो, इसको कहीं फेंकवाना पड़ेगा, इसलिए अभी इसको बाहर किसी को वितरण नहीं करना और ना ही किसी को देना है। बहुत बार सारी बीमारी फैलने की जैसे आशंका हो रही है उसके अंदर। तत्काल इसमें शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होते ही हम इसको यहाँ से हटवाएंगे और इसकी जगह नया माल आने पर सभी को अच्छा गेहूँ वितरण करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? बंशीलाल टेला, चेयरमैन जाड़ा। लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस।